हे एवरीवन, आज बनाएंगे दलिया उपमा की रेसिपी जो एक हेल्दी और आसानी से बनने वाला ब्रेकफास्ट आइटम है जिसे घर के सभी लोग चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग बहुत चाव से खाएंगे। क्योंकि इस रेसिपी में मैं डालने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो दलिया को और भी टेस्टी और मजेदार बना देगा। ये उन लोगों के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले दलिया को ड्राई रोस्ट कर लेना है, तो इसके लिए कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें डालेंगे 1 कप दलिया और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे हम भून लेंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए। मैं जो दलिया यूज कर रही हूँ वो मीडियम साइज की है क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थी, पर आप जब भी दलिया उपमा बनाएं छोटे साइज यानी महीन दाने वाले दलिया का ही इस्तेमाल करें। जब दलिया अच्छे से भुन जाए तो ये कुछ सफ़ेद से दिखने लगेंगे। दलिया सफ़ेद सा दिख रहा है और लगभग 4 से 5 मिनट भी हो गया है, इसे साइड रख लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड तेल और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। आप चाहे तो 2 चम्मच सिर्फ तेल या सिर्फ 2 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। घी डालने से दलिया का जो स्वाद है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो आप सिर्फ घी का भी यूज कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून ड्राई या काला सरसों, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और 10 से 12 करी पत्ते जिसे मैंने कट करके ले लिया है यहाँ पर। इन्हें हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है अच्छे से। हमें प्याज को सिर्फ हल्का गुलाबी या ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही भुनना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब प्याज हल्का गुलाबी रंग का हो जाए तो इसमें डालेंगे 10 से 15 किशमिश और 10 से 15 काजू। काजू को मैं बीच से अलग करके ले रही हूँ यहाँ पर, और डायबिटीज जिन्हें है वो किशमिश ना डालें। कुछ 1 मिनट के लिए काजू किशमिश को भून लेंगे प्याज के साथ। काजू में हल्का सुनहरा रंग आ गया है और किशमिश भी फूल गई है। अब इसमें जाएगा 1/3 कप बारीक कटा हुआ गाजर और 1/3 कप मटर। मैं यहाँ फ्रोजन मटर का यूज कर रही हूँ। अगर आप ताजे मटर का यूज करेंगे तो मटर को 8 से 10 मिनट के लिए उबाल कर ही इसमें डालें। सब्जियों को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप इसमें चाहे तो शिमला मिर्च या उबले हुए मकई के दाने भी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ी और कलरफुल दिखे। 2 मिनट भुनते हुए हो गए हैं सब्जियों को, तो अब इसमें डालेंगे रोस्टेड दलिया। इसे मिला लेंगे अच्छे से, फिर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे भी मिला लेंगे। अब चाहेगा इसमें पानी। 1 कप दलिया के लिए मैं यहाँ 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से चला लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे करीब 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 12 से 15 मिनट हो गया है तो ढक्कन हटाकर दलिया को चेक कर लेते हैं। दलिया बिल्कुल खिली खिली बनी है, आप देख सकते हैं। अब लास्ट में इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से धनिया पत्ते के साथ। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये लीजिए, बनकर रेडी है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी दलिया उपमा। इसे आप सुबह के नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई जरूर करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट भी जरूर कर ले। और मेरे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर।